मानने में भी यदि संवादी भ्रम की रीति हो ना, जैसा तत्व है उसके अनुकूल मान्यता हो तो अच्छा रहता है। ये संवादी भ्रम का वर्णन पंचदशी में है। दो आदमियों ने देखा कि दूर कोई चीज चमक रही है, तो दोनों को भ्रम हुआ कि मणि है। दोनों उस मणि को लेने के लिए दौड़े, तो एक जहां गया वहां तो दीपक निकला, वो मणि नहीं था, कोई दिया किसी ने जला के रख दिया था और चमक रहा था, दूर से मणि मालूम पड़ा। और एक ने जो चमक देखी और वो दौड़ के गया तो वहां मणि वस्तुतः था। तो जो मणि को, मणि के प्रकाश को मणि समझ करके गया, प्रकाश तो मणि नहीं है, प्रकाश में मणि बुद्धि तो भ्रम ही है, क्योंकि प्रकाश तो तरह तरह के होते हैं, तो प्रकाश में मणि बुद्धि भ्रम ही है। पर एक सचमुच प्रकाश में मणि बुद्धि करके, माने भ्रम करके मणि के पास पहुंच गया और मणि प्राप्त कर लिया, और एक दीपक के प्रकाश में मणि बुद्धि करके गया तो उसको मणि नहीं मिले। तो भ्रम भी दो तरह का होता है, एक संवादी भ्रम और एक विसंवादी भ्रम। तो ये मान्यताएं जो हैं वो यदि तत्व के परमार्थ के अनुरूप हों और उसकी प्राप्ति में सहायक हों तो मान्यता रूप होने पर भी, भ्रम रूप होने पर भी उनको साधन माना जा सकता है। परंतु यदि वो बिल्कुल ही विसंवादी हैं, परमार्थ के अनुरूप नहीं है, तो उनको साधन मानना ठीक नहीं है। विकार में भी जो संचारी भाव हैं या व्यभिचारी भाव हैं उनको विकार में साधन मानना बहुत अच्छा नहीं है। स्थाई भाव जिसका बनता हो, स्थाई भाव होना आवश्यक है। स्थाई भाव में जो चैतन्य है वो जब आलंबन भाव वाले चैतन्य के साथ एक हो जाएगा तब वो मान्यता भी रस रूप हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि हमारे हृदय में राधा कृष्ण का आकार दिख रहा है, मूर्ति है। तो एक तो मैं अंतःकरण वाला चैतन्य हूं जो दोनों को देख रहा हूं, और एक ऐसा लगता है कि राधा जी हिलती हैं, डोलती हैं, प्रेम करते हैं, और श्री कृष्ण भी हिलते हैं, डोलते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों के मन में भाव का उदय होता है। अब देखना है कि क्या वहां तीन चैतन्य हैं, एक राधा चैतन्य, एक कृष्ण चैतन्य और एक आत्म चैतन्य है, क्या चेतन तीन है? तो तत्व दृष्टि से देखने पर राधा का आकार पृथक है, कृष्ण का आकार पृथक है और हमारे अंतःकरण का आकार पृथक है, लेकिन जो चैतन्य है वो जो स्थाई भावावच्छिन्न, स्थाई भाव रूप जो हमारा अंतःकरण, उस अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वही राधा कृष्ण का चैतन्य है। वहां जो चैतन्य है वो कोई पृथक चैतन्य नहीं है। इसलिए जब हम राधा कृष्ण के चैतन्य से भी एक हो जाते हैं, तादात्म्य बोध होता है, तब रस की अनुभूति होती है। मानस रूप जो राधा कृष्ण का है वो सच्चा रूप नहीं है, वो सच्चा रस नहीं है, वो तो भावनात्मक है, मानसी भावना। तो मानसी भावना में रस है
की भावनावच्छिन्न चैतन्य है और स्थायी भावावच्छिन्न चैतन्य की एकता में रस है, कि जो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं या 5000 बरस पहले हुए हैं उनमें रस है, कि ये जो मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं या लीला के रूप में खेल रहे हैं उनमें रस है, ये रसिकों ने इसका विवेक किया हुआ है। तो 5000 बरस पहले जो था या जो गोलोक में है उसके साथ तो अपना कोई संबंध बनता ही नहीं, वो तो परोक्ष है। और जो मूर्ति के रूप में है या रंगमंच पर है उसके लिए जब सामाजिक पुरुष अपने आप को भूल करके मंचस्थ या मंदिरस्थ पुरुष भगवान से तादात्म्य अपन साक्षात है, खाते हैं पीते हैं चलते हैं बोलते हैं, ये महापुरुषों के जो भगवान थे ये उनसे बातचीत भी करते थे, उनसे हंसते भी थे बोलते भी थे, तो एक रस वो हुआ। और वो जो गोलोक वाला है या 5000 बरस पहले वाला है वो तो केवल स्मृति पटल पर उदय होता है, उसका स्मरण होता है और स्मरण की गाढ़ता से उसमें रस की प्रतीति होती है। और जो मंदिरस्थ है या मंचस्थ है रंगमंच पर है उसमें जब हम अपने को भूल के तादात्म्य करते हैं तब रस का उदय होता है। और जो मानसी भावना के भगवान हैं वो तो अपना मन ही हंसता है बोलता है खेलता है, हम देखते हैं उसमें भी आत्मविस्मृति है तो। परंतु ये जो स्थायी भावावच्छिन्न चैतन्य माने अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और आलंबन विभावावच्छिन्न चैतन्य, राधा कृष्ण दोनों आलंबन विभाव या जसोदा और कृष्ण दोनों आलंबन विभाव हैं, उसमें भी रस का आश्रय कौन है विषय कौन है ये विवाद करते हैं। जसोदा रस का आश्रय है और श्री कृष्ण रस के विषय है, या श्री कृष्ण रस के आश्रय है यशोदा विषय, राधा आश्रय है कृष्ण विषय है, कृष्ण आश्रय है राधा विषय है, तो परस्पर दो चकोर दो चंदा ऐसा करके वर्णन करते हैं। परंतु हर हालत में आत्म चैतन्य की एकता ही रसानुभूति का हेतु है, ऐसा तो चार क्रम हो गया, परोक्ष से रसास्वादन, प्रत्यक्ष से रसास्वादन और मानस से रसास्वादन और आत्मानंद, आत्मानंद का ही तत्त्व रूप में आस्वादन। तो ये औपनिषद प्रक्रिया जो है ये नहीं, वो तो हम लोग तो तटस्थ होकर विचार करते हैं उनके साथ, माने जो दार्शनिक होगा वो किसी से एक होकर विचार करेगा तो उसकी दृष्टि जो है वो अंधी हो जाएगी। तो विचार काल में कोई पक्ष लेकर के विचार नहीं, विचार तो हमेशा ही निष्पक्ष होता है। हाँ, तो आत्मानंद जो है तो इसी को भूमा छांदोग्य उपनिषद में भूमा कहा है, तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद और रस के नाम से इसका वर्णन है, और कहीं कहीं सुख के नाम से भी जदल्पम तन्मर्त्यम जो वही भूमा तत्सुखम जदल्पम तन्मर्त्यम, वहां सुख शब्द परब्रह्म परमात्मा के लिए ही है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। तो सुख शब्द आनंद शब्द और रस शब्द ये तीनों ब्रह्म के लिए ही उपनिषदों में प्रयुक्त हुए हैं। अब जो अनेक में एक है सो परमात्मा है, स्फुरण के विषय अनेक हो सकते हैं पर जो
स्फुरण है वो तो एक ही है, घटपट आदि अनेक होते हैं, परंतु ज्ञान तो घटपट की उपाधि से पृथक पृथक नहीं होता है। इसलिए राम है, कृष्ण है, राधा है, गीता है, इनमें आकृति पृथक पृथक होने पर भी जो स्फुरण है वो एक है, और अपने आत्मा का स्वरूप वो स्फुरण ही है। और अनेकता जो है वो परस्पर व्यावृत्त भी है, माने एक की स्फुरणा दूसरे की स्फुरणा नहीं है, दूसरे की स्फुरणा तीसरे की स्फुरणा नहीं है। तो आकार में भी परस्पर व्यावृत्त है, स्थान में भी परस्पर व्यावृत्त है, काल में भी परस्पर व्यावृत्त है। तो इसलिए स्फुरण रूप जो आत्मा है वही आकार निरपेक्ष परमानंद है। वो जिसके साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है वो परमानंद हो जाता है, हम जिससे मिल गए वो परमानंद हो गया। तो अयम आत्मा, मैंने हमको तो ऐसा लगा ना कि क्रोध आया, तो हमने कहा हमारा क्रोध बिल्कुल उचित है, न्याय के पक्ष में है। तो न्याय के पक्ष में क्यों है, तो हम जैसा जानते हैं ज्ञान के पक्ष में है, इसलिए न्याय के पक्ष में है। अच्छा, तब हम जो क्रोध कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मिल गए क्रोध से, जो सट दंड करो नहीं तो रहा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। थोड़ी देर के बाद किसी ने आके बताया कि आपने जैसा समझा था वो तो गलत है, हैं? अरे तो हमने नासमझी से क्रोध किया तो अन्याय किया, अनुचित किया। अब उस घंटे भर दो घंटे के बाद अपना ही अनुचित अज्ञान आश्रित और अनुचित ज्ञात होने लगेगा। तो असल में जब हम किसी वस्तु से एक हो जाते हैं तब तो वो बहुत बढ़िया हो जाती है, और जहां उससे अलग हुए फिर तहां वो बिल्कुल मुर्दा एकदम शव हो जाती है। तो काम क्रोध आदि भी तादात्म्य से ही सुखप्रद मालूम पड़ते हैं, उसमें सुख तो है आत्मा का और आरोपित हो जाता है वृत्ति में। तो वृत्ति में सुख नहीं होता है, सुख तो अपने आत्मा का ही है। तो वो जो परमानंद है, आनंद माने विषय के भेद से जो भिन्न नहीं है और वृत्ति के भेद से भी जो भिन्न नहीं है, जो देश भिन्न भिन्न होने पर भी, काल भिन्न भिन्न होने पर भी, अवस्था भिन्न भिन्न होने पर भी स्फुरणात्मक है। तो स्फुरणात्मक है माने आत्मसुख है, उसी को ये आत्मा रामोप्यरी रमत जो बीच बीच में आता है ना, आत्मा रामोप्यरी रमत, और गोपियों के लिए तो प्रतिबिंब विभ्रमक शब्द का प्रयोग है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीधिर यथार्थकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। तो श्री कृष्ण का जो सुख है वो गोपी में नहीं है, वो तो श्री कृष्ण सुख का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। तो अब बिंब सुख जो है वो तो अबाध्य है, और प्रतिबिंब सुख जो है वो तो बाधित है। इसलिए रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी विर यथार्थकः स्व प्रतिबिंब विभ्रमः आत्मा रामो यरी रमत। तो आत्मा राम स्वभावतः गोपी ही अरी रमत रमया मात स्वानंदम तासु संचार्य ता रमया मात। अरी रमत का अर्थ ये है कि स्वयं कृष्ण ने रमण नहीं किया, बल्कि अपना जो आनंद है वो गोपियों में संचारित करके, और उनके अरिरमत पद क्रिया पद का अर्थ ये आरामता नहीं है, साह रमया मास, तो उनमें स्वानंद का संचार करके। तो गोपी के भिन्न भिन्न होने पर भी, भिन्न भिन्न अवस्था होने पर भी, और माता सखा पिता प्रेयसी
इनके पृथक पृथक होने पर भी जो स्फुरण आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसका तादात्म्य ही आनंद का हेतु है और कोई आनंद का हेतु नहीं है। इसलिए हमारे जो मधुसूदन सरस्वती जी का जो रस विवेक है वो आत्मानंद ब्रह्मानंद का ही विवेक है ऐसा। इसलिए जो लोग दो लोग या 5000 बरस पहले से आनंद को खींच के लाते हैं देशांतर से और कालांतर से, और जो लोग बाह्य आकार में से आनंद खींच के लाते हैं और जो लोग मानस आकार से आनंद की सृष्टि करते हैं, तो वो सारा का सारा आनंद जो है वो जदल्पम तन मर्त्यम की कोटि में जाएगा और जो भाई भूमा तत् सुखम की कोटि में नहीं आएगा। तो ये जो हमारे ये रसगंगाधर आदि में भी इन्हीं प्रक्रियाओं में से किन्हीं किन्हीं प्रक्रियाओं को लेकर के काव्य में रस का विवेक होता है और इस रस रीति को मधुसूदन सरस्वती जी ने श्रौत विद्या के साथ वेदांत विद्या के साथ मिला दिया है। स्वामी जी ने भक्ति रसारणों में भी इसी प्रक्रिया का आलम्बन लेकर के वस्तुतः जो रस है वो स्थायी भावावच्छिन्न और आलम्बन विभावावच्छिन्न चैतन्य की एकतई वस्तुतः रस है ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया है।